सच्चे नबी मेरे आखरी नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक और खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तरीन कलाम, आपका फरमान, जी हाँ, लेकर हाजिर हुआ हूँ। और एक खूबसूरत दुआ है और उस दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है। आइए सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ज़ाइल बयान करता हूँ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है ये आपको मैं सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बिछोने पर ये दुआ 3 मरतबा पढ़कर सोएगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों और टीलों की रेत की तादाद में हों। सुभान अल्लाह। वो दुआ क्या है? फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलहय्युल कय्यूम व अतूबु इलैही। इस दुआ को आप अपने पास महफूज कर लीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब ये सोया करते थे तो आप सोते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। और जब नींद से बेदार होते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहया नफ्सी बादमा अमातहा व इलैहिन नुशूर। तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक है और इस हदीस पाक पर अमल करके, इस दुआ पर अमल करके, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार और इताअत गुज़ार बंदों में शामिल हो जाइए। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, ये वो दुआ है कि जिसकी बरकत से हमें सुकून की नींद भी मुयसर होगी और जब उठकर ये दुआ पढ़ेंगे तो गोया अल्लाह करीम की इताअत, अल्लाह करीम के फरमान पर अमल करते हुए कि मुझसे दुआ करो, मेरा शुक्र अदा करो, उसकी भी बरकतें इंशाअल्लाहुल करीम आपको ये नसीब होंगी। एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबीही वसल्लम।